हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अपलोड मल्टीपल इमेज इन जेंगो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंगल इनपुट फील्ड लेंगे और उससे मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवाएंगे और एक साथ डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे डेटाबेस में सेव करवाना है तो पहले मुझे मॉडल्स बनाना होगा, फिर व्यूज बनाना होगा, व्यूज से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर HTML बनाना होगा, वहां से डेटा को अपलोड करेंगे और वापस से HTML पे रिडायरेक्ट करेंगे, रेंडर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको शो करवाता हूँ कैसे करेंगे। तो मैं पहले एक जेंगो का छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा जहाँ पे मैं सब कुछ सेटअप करने वाला हूँ। देखेंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीफाइल नाम से एक फोल्डर बना दिया है। यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लूँगा, यहाँ मैं लिखूंगा CMD और मैं इसे जूम कर लूँगा ताकि आपको दिखे। और मैं यहाँ लिखूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट के लिए कमांड जेंगो, सॉरी ये कैप्सलोकॉन है, जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं मल्टी फाइल अपलोड। इस तरह से मैंने इंटर किया और ये यहाँ पे हम चेक करेंगे जहाँ से मैंने ओपन किया था। ये आप देखेंगे, ये मल्टी फाइल अपलोड के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फोल्डर, और इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको जेंगो आता होगा, पाइथन थोड़ा बहुत आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्हें पाइथन और जेंगो आता है और उन्हें मल्टीपल फाइल सिंगल इनपुट फील्ड से अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद फिर हम यहाँ से CMD ओपन करेंगे और हम बनाएंगे अब एक एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन बनाने के लिए लिखेंगे पाइथन, क्योंकि मुझे manage.py की फाइल मिल गई है। तो हम manage.py फाइल को रन करेंगे और लिखेंगे स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैं रख लूँगा माई ऐप, और मैंने इंटर किया। और इंटर करते ही आप यहाँ चेक करेंगे तो मेरा एक एप्लीकेशन बन गया जिसके अंदर ये सारी फाइल्स आती है प्रीबिल्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने फोल्डर के मेन लोकेशन पे यहाँ पे जहाँ manage.py है वहाँ से मैं पाइचाम ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये पाइचाम ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो के आएगा, देखेंगे यहाँ पे लोडिंग हो रहा है कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे और देखेंगे टर्मिनल की जो लोकेशन है वो हमारे मल्टी फाइल अपलोड तक, हमारे प्रोजेक्ट तक सेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो ऐप इंस्टॉल किया था, जो अभी हमने ऐप क्रिएट किया था, उस ऐप का लोकेशन डालेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग्स फाइल में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट मल्टी फाइल, इसके अंदर सेटिंग्स की फाइल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है माई ऐप कॉमा, इस तरह से मैंने अपने एप्लीकेशन का फाइल सेट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे माई ऐप में, यहाँ देखेंगे models.py में, और यहाँ हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे फाइल अपलोड करने के लिए। तो मैं लिखूँगा फाइल अपलोड नाम से मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा, फाइल अपलोड models.model, और यहाँ पे मुझे क्या सेव करवाना है, मुझे शो करवाना है फाइल। तो मैं लिखूँगा फाइल इक्वल टू मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको कि मुझे मल्टीपल फाइल कैसे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो मैंने लिखा नल इक्वल टू ट्रू, बस ये हमारा क्रिएट हो गया। जब हमारा मॉडल्स क्रिएट हो गया तो माइग्रेशन चलाएंगे यहाँ पे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे हमने मॉडल क्रिएट किया तो ये हमारे लिए मॉडल क्रिएट कर दिया फाइल अपलोड के नाम से हमारे डेटाबेस में। तो हम करेंगे माइग्रेट, MIGRATE माइग्रेट, देखेंगे ये हमारे सारे कंस्ट्रेंट को बता रहा है ओके। ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे पाइथन क्रिएट सुपर यूज़र कर लेते ताकि मैं अपने डेटाबेस को देख सकूँ। पाइथन क्रिएट सुपर यूज़र, सॉरी पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और इंटर, देखेंगे यूजर नेम ओ manage.py पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, सॉरी क्रिएट सुपर यूजर, और यहाँ यूजर नेम मांग रहा, मैं लिखूँगा एडमिन, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, और पासवर्ड दूंगा एडमिन, और मैंने कंफर्म पासवर्ड किया, वाई किया, मुझे शॉर्ट पासवर्ड ही चाहिए, और मैं लिखूँगा रन सर्वर। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। तो अभी मुझे बनाना होगा HTML फाइल, अभी मैं यहाँ ओपन करूँगा तो देखूँगा कि
सिंपल सा ये दिख रहा है कि हमारा जो इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुल्ली है वो रन कर चुका है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा सेटिंग्स फाइल में और सबसे पहले मुझे इमेज अगर सेव करवाना है तो इमेज का यहाँ पे पाथ सेट करना होगा। तो आप देखेंगे स्टैटिक के लिए यहाँ पे पाथ सेट करने के लिए लिखा हुआ स्टैटिक, वैसे ही हम अपने फाइल को सेव करवाने के लिए हम मीडिया के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे मीडिया, तो मीडिया फोल्डर में सेव होगा। यहाँ स्टैटिक यूआरएल है तो हम लिखेंगे MEDIA मीडिया यूआरएल, और यहाँ लिखेंगे मीडिया रूट, ये मीडिया अंडरस्कोर रूट रूट। यहाँ लिखेंगे हम पाथ बताएंगे इसे, पाथ डॉट ज्वाइन पाथ। यहाँ लिखेंगे अपने बेस डायरेक्टरी का लोकेशन और मीडिया फोल्डर मीडिया। तो ये हमारे फाइल को कहाँ बनाएगा, मीडिया में। फिर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे यूआई से, तो मुझे यूआरएल से जाके यहाँ पाथ बताना पड़ता है, यूआरएल में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे स्टैटिक फंक्शन को लाना है, स्टैटिक जो कि मुझे यूआरएल पैटर्न से ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ, स्टैटिक को लाने के लिए डॉट यूआरएल, और यूआरएल में स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ये। तो इस फंक्शन को यहाँ लिखना स्टैटिक, और स्टैटिक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेटिंग्स के मीडिया यूआरएल को, सेटिंग्स। तो मुझे सेटिंग्स को भी इंपोर्ट करना होगा, तो हम सेटिंग्स को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स। सेटिंग्स इम्पोर्ट हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे मीडिया यूआरएल डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट मीडिया अंडरस्कोर रूट। इस तरह से हम इस तरह से फैच कर पाएंगे अपने मीडिया फाइल को अपने यूआई पे। ठीक है, तो अगर मेरा यूआरएल क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब टेम्पलेट्स के लिए क्या करेंगे, टेम्पलेट फोल्डर बनाएंगे जहाँ से कि हम डेटा को अपलोड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाना है जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, और फिर हम टेम्पलेट्स में बनाएंगे एक HTML जिसका नाम रख लेता हूँ फाइल अपलोड या अपलोड डॉट HTML, अपलोड, और इंटर किया तो यहाँ पे आएगा अपलोड। मैं यहाँ लिख दूँगा मल्टी फाइल अपलोडिंग। ठीक है, तो हम एक साथ बहुत सारे फाइल अपलोड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना HTML फाइल बना लूँगा, लिखूँगा फॉर्म एक्शन, और हम देंगे मेथड, मेथड को मैं पोस्ट ही लेता हूँ, पोस्ट। और अगर हम इमेज सेव करवा रहे हैं तो मुझे लिखना होता है इंक टाइप और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म टैग कंप्लीट हुआ। फिर हमारा मेथड पोस्ट है तो हम क्या लेते हैं, CSRF टोकन, तो मैं लिखूँगा CSRF टोकन। ठीक है, तो ये CSRF टोकन हो गया, और मुझे बनाना है एक इनपुट फील्ड जिसका टाइप क्या होगा, फाइल होगा, तभी तो हम फाइल अपलोड कर पाएंगे। हमने लिखा फाइल, हम इसका एक नेम देंगे, तो हमें मल्टीपल फाइल्स चाहिए तो मेरा नेम क्या होगा, मैं नेम लिखूंगा फाइल, और ये एक लिस्ट होगा तो इसलिए मैंने एक लिस्ट बना दिया यहाँ पे। और ये मल्टीपल फाइल लेना है तो यहाँ पे एक मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट्स होता है जहाँ से हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करवा पाएंगे। तो मैं यहाँ एक इनपुट सबमिट बटन बना लूँगा, मैं लिखूँगा इनपुट टाइप और सबमिट, इस तरह से एक सबमिट बटन देगा, और यहाँ वैल्यू में मैं लिख दूंगा सबमिट। तो ये मल्टी फाइल सिलेक्ट करेगा और यहाँ सबमिट से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है गाइज, तो ये मेरा upload.html क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका व्यूज क्रिएट करेंगे, इसका कनेक्शन बनाएंगे HTML का व्यूज से। तो लिखेंगे फंक्शन का नाम अपलोड, नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा DEF अपलोड, यहाँ रिक्वेस्ट लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और हमारा मेथड पोस्ट था तो हम यहाँ चेक करेंगे, मेथड पोस्ट है तो ये एंट्री लेगा यहाँ पे, और क्या करेंगे हम फाइल्स को लेंगे, तो मैं लिखूंगा फाइल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इस तरह से हम लेते हैं। और फाइल्स के साथ अगर मुझे गेट चाहिए, लिस्ट डेटा चाहिए, तो मैं लिखूंगा गेट लिस्ट, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, अपने इनपुट फील्ड का नाम, मेरे इनपुट फील्ड का नाम भी फाइल था तो हमने फाइल ले लिया,
और यहाँ पे हम सेव करवाएंगे। मुझे डेटा मिल गया तो मुझे सेव करवाना है, तो मैं फोर लूप चला के यहाँ से एक एक फाइल को गेट करूँगा यहाँ पे इस तरह से। और हमारे मॉडल्स में सेव करवाना है तो हम लिखेंगे मॉडल्स का नाम, फाइल अपलोड, और व्यूज़ में चलेंगे यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम फाइल इक्वल टू आई, फाइल इक्वल टू आई। तो ठीक है, देखेंगे यहाँ पे रेड मार्क का शो रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट, सॉरी ये हमें मॉडल्स फाइल से लाना था, लिखेंगे फॉर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, हमारे मॉडल का नाम क्या था, फाइल अपलोड, तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं रिटर्न करवा लेता हूँ अपने पेज को, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने HTML फाइल का नाम अपलोड डॉट HTML इस तरह से। तो हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी, उसके बाद हम सेमी फाइल पे शो करवा देंगे कि हमारे डेटा में आया कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिखूंगा फाइल्स, एक वेरिएबल बना लेंगे हम डेटा के नाम से, और डेटा में लिखेंगे फाइल अपलोड, और मैं सबको क्या करूंगा, इटरेट करवा लूंगा ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। मैंने सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फैच कर लिया, और ये डेटा को मुझे अगर पास करना है तो हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल से भी पास कर सकते हैं या डिक्शनरी बना के भी पास कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे लोकल्स, तो ये सारे लोकल्स वेरिएबल को क्या करता है, हमारे HTML पे सेंड कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका URL सेंड बना लेंगे। तो URL में लिखेंगे पाथ, और URL मेरा 127 पे ही रन हो जाए, डायरेक्ट पोर्ट पे रन हो जाए, तो हम सिर्फ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे अपलोड फंक्शन का नाम, और ये पाथ का नाम हम सेट करेंगे, तो हमारे पाथ का नाम भी रख लेते हैं अपलोड। ठीक है, तो इसे मैंने इम्पोर्ट नहीं किया है, हम इम्पोर्ट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम, ये दूसरे फोल्डर में है तो मुझे एप्लीकेशन के पहले नाम लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन का नाम है माई एप डॉट व्यूज, और इम्पोर्ट किसको करना है, अपलोड को, तो मैंने अपलोड फंक्शन का नाम लिख दिया। तो देखेंगे ये रेड मार्क का हट गया। अब मुझे अगर इसको कॉल करना है HTML आउटपुट को शो करने के लिए, तो ये रन होगा सर्वर, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक आ रहा है इस तरह से, चूज़ फाइल का। तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ बहुत सारी फाइल चूज़ करूँगा, हम चलते हैं किसी प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में स्टैटिक में चलेंगे जहाँ पे मेरे पास इमेज होना चाहिए, स्टैटिक इमेजेस। तो यहाँ पे मेरे साथ इतने सारे इमेजेस हैं जो JPG हैं और भी PNG वगैरह भी इमेजेस हैं, सॉरी सारे JPG इमेज हैं। ठीक है, तो मैं इसे एक साथ देखेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है 16 फाइल्स मैंने किया, और हम करेंगे सबमिट। तो मैंने सबमिट किया, चेक करना है मुझे कि ये डेटा में स्टोर हुआ या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे करेंगे एडमिन 127/admin, तो मुझे यहाँ डालना होगा एडमिन का लॉगिन पासवर्ड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैंने डाला एडमिन का लॉगिन पासवर्ड, तो अभी यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने एडमिन में रजिस्टर नहीं किया है अपने मॉडल्स को। लिखूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर रजिस्टर, और यहाँ पे हम मॉडल्स का नाम लिखेंगे क्या, फाइल, हमारे मॉडल का नाम था फाइल अपलोड। तो अभी यहाँ रेड मार्क आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फाइल अपलोड इस तरह से, ये अपलोड हो गया। अब चेक करेंगे यहाँ पे यहाँ मेरा आया या नहीं, सेव हुआ कि नहीं, हमने किया फाइल अपलोड पे, देखेंगे यहाँ सेव नहीं हुआ, तो यानी कुछ एरर आया होगा अपलोड करने पे। हम चेक करेंगे अपने व्यूज़ में, ये व्यूज़ है, हम प्रिंट करवा के देखते हैं पहले फाइल्स को, प्रिंट आई डॉट नेम, इस तरह से मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश किया। मैं रन करूँगा वापस से इसको, तो देखेंगे मैंने सबमिट किया फिर से, ओके, फिर से मुझे सेलेक्ट करना होगा इमेजेस, मैंने फिर से सारे इमेज सेलेक्ट किए, ओपन, और ये सबमिट, देखते हैं क्या एरर आया। तो ये पोस्ट तो हो गया, CSRF टोकन फ्रॉम पोस्ट इनकरेक्ट, शायद नहीं ये पिछला है, पिछला एरर है,
हमने पोस्ट किया और ये पोस्ट भी हो गया। रिक्वेस्ट डॉट गेट लिस्ट, चेक करते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। प्रिंट फाइल, मैंने फिर से सबमिट किया तो यहाँ मुझे सिर्फ ये मिल रहा है। चेक करते हैं अपलोड डॉट, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। अपलोड डॉट एस टी एम एल में तो हमने लिया था ये नाम, तो मुझे यही नाम से एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो मैं इसे सेम नाम से एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैंने सेव किया, ये रन हो रहा है और फिर से इसे मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो रीसबमिट किया मैंने और चेक करते हैं, तो हाँ मुझे सारी फाइल मिल गई। मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ, ये हमारा डेटाबेस। मैंने ये रिफ़्रेश किया, देखेंगे इतनी 16 फाइल बन के आई क्योंकि मैंने 16 फाइल किया था। तो ये सारी फाइल सेव हो गई है, मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ सारी फाइल्स। तो इस शो करवाने के लिए हम सेम पेज पे ही मैंने फैच किया था सारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे div और ये मैं कंटेनर टाइप का बना लेता हूँ, क्लास कंटेनर। वैसे तो कंटेनर एक बूटस्ट्रैप का है तो यहाँ काम नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे img src इक्वल टू, और क्लोज कर देंगे इसका। मैं स्टाइलिंग ले लूँगा, स्टाइलिंग विड्थ दे दूँगा 200px और हाइट भी दे देंगे सेम 200px। इस तरह से मैंने हाइट विड्थ ले लिया और यहाँ पे चलाएंगे हम लूप इस पर। तो हमने डेटा को कैसे वापस भेजा था, यहाँ पे फोर आई इन डेटा। मैं आपको चेक करवा दूँ कि डेटा मैंने कैसे सेंड किया था, तो डेटा नाम के फोल्डर से मैंने सारे डेटा को यहाँ फैच किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड फोर करता हूँ, एंड फोर, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा अपने इमेज का URL। तो आई डॉट, मैंने फाइल डॉट URL, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये डेटाबेस से आता है, ये डेटाबेस का एट्रीब्यूट होता है डेटाबेस का। देखेंगे फाइल के नाम से सही लिखा है मैंने आई डॉट फाइल डॉट URL, तो ये पूरा URL जाएगा और हमारा डेटा फैच होके आएगा। ठीक है, तो मैंने सेव करवा लिया और करेंगे रिफ्रेश। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा सारा डेटा मिल रहा है, 16 जितने भी थे। और अगर और न्यू डेटा ऊपर आने चाहिए तो मैं न्यू डेटा के लिए क्या करूँगा, ऑर्डर्ड बाय यूज़ करूँगा, ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, कि न्यू डेटा मुझे ऊपर दिखे और मैं न्यू डेटा ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा शो करेगा, जो न्यू डेटा रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा। देखेंगे यहाँ पे इमेज शो हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा और कोई न्यू इमेजेस लाऊँगा, स्टैटिक एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, लोगो में कितने इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं, मैं ज़्यादा इमेज लूँगा। प्रोडक्ट्स के कितने इमेजेस हैं, प्रोडक्ट्स, ये मैं ये सारी इमेजेस को लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए। और मैंने किया सबमिट, सबमिट करते ये मैंने 6 इमेजेस लिया था और 6 इमेजेस शो हो रहा है। तो इस तरह से हम डायनेमिकली शो भी कर रहे हैं इमेजेस को, और मल्टीपल इमेजेस सिंगल क्लिक में एक साथ बहुत सारे इमेजेस डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोजेक्ट मैंने अभी आपके सामने पाइथन जेंगो में बनाया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पाइथन जेंगो आता है और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लग रही हो तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।